हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे जो है कवर कराया जा रहा है। ये जो है सभी क्वेश्चन आपके जो है बहुत मेहनत से जो कंटेंट को लाया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे ज़्यादा बार सभी एग्जाम में जो है रिपीटेड क्वेश्चन को लाया गया, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, यहाँ से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो व्यापार में, पटवारी में, बैंक वगैरह की एग्जाम में आपको जो है देखने को मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आप जो है सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए कवर कराया जा रहा है ताकि आप आने वाले एग्जाम, आप सभी पता होगा 15 सितंबर को आपको जो है हास्टन वार्डन के एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेशन, ठीक है जी। पिछले सेशन में 40 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हास्टन वार्डन में आप सभी को पता होगा, सिलेबस उठा के देखेंगे तो कंप्यूटर से आपसे 30 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, जिसमें आपको 15 नंबर लाना कंपलसरी है, ठीक है। 15 नंबर आप नहीं लाते हैं तो आगे पेपर आप जो है आपका जो है चेक नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। मतलब जो वहाँ से आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाकी आप समझदार हो, सिलेबस नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईमेल, ठीक है। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ईमेल के जो जन्मदाता ये किसे कहा जाता है, बिल गेट्स को, टिमोथी बिल को, लिंग कोलिट्सबर्ग को, या आपका रे टॉमलिंसन को। कई बार बताया हूँ मेरे सेशन में, ठीक है। तो ईमेल के जन्मदाता या इसका आविष्कार किन्होंने किया था, रे टॉमलिंसन, याद रखिए इनको जो है ईमेल के जन्मदाता इनको कहा जाता है, रे टॉमलिंसन। ये जो है अमेरिका के जो है कंप्यूटर के जो है ये आपके जो है इंजीनियर थे, इन्होंने जो है 1969 में जो है ईमेल के, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने जो ईमेल का आविष्कार किया था, या इसके जो है जन्मदाता इनको कहा जाता है, रे टॉमलिंसन, याद रखिएगा। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो है ये कई बार जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल करके इसको जो है बोला जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके जन्मदाता रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ, सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे www का पूर्ण रूप या www को ये आपका फुल फॉर्म, ये भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। तो www का फुल फॉर्म क्या होता है, वेब वर्किंग विंडो, बी है विंडो वर्ल्ड वाइड वेब, या वर्ल्ड वर्किंग वेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू से वर्ल्ड हो जाएगा, फिर डब्ल्यू से वाइड, फिर वेब, ठीक है। तो यहाँ पे www का पूर्ण रूप या इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब जो है जैसे www से एक ही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएगा, उससे बनने वाले जो है क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है जी। जैसे www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है, बिल गेट्स, ली एन फ्योंग, एन रसेल, या टिम बर्नर्स। या भी देखें कि जो है www, ठीक है, www इसका फुल फॉर्म क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। इसी से संबंधित क्वेश्चन के जो है www के आविष्कारक या इसके प्रवर्तक कौन है, ये जो है देख सकते हैं। एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, उससे बनने वाले कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली, याद रखिए इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था, टिम बर्नर्स-ली द्वारा www को, ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपसे मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपसे जो है यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, उससे बनने वाले हर तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एग्जामिनर बहुत सातिर होता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन है, ठीक है। याहू, ठीक है, याहू, गूगल एवं MSN है इंटरनेट साइट्स है, कंप्यूटर बांड है, स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां हैं, या आपका शनि ग्रह के छल्ले हैं, ठीक है। याहू, गूगल, MSN, ठीक है, ये सभी क्या चीज़ है, तो इंटरनेट के जो है साइट हैं, ठीक है जी, इंटरनेट के साइट हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, या मॉडेम, ठीक है। तो इस सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली कौन सा नहीं है, ये आपका प्रकाश भंडारण। प्रकाश भंडार ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो है शब्दावली नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ, 46 क्वेश्चन, स्पैम, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, या आपका कंप्यूटर, कला, संगीत, या खेल से संबंधित, ठीक है। स्पैम जो है कौन से विषय से संबंधित है, ये जो है कंप्यूटर विषय से संबंधित है। स्पैम आप देखे होंगे, ये आपका जो है ईमेल में, ठीक है, कहाँ में देखने को मिलेगा, ईमेल में जो अवांछित जो मैसेज होते हैं, जो अनसॉलिसिटेड बोलते हैं उसको, ठीक है, अवांछित हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अनसॉलिसिटेड, ठीक है। ये जो है अवांछित जो मैसेज होते हैं, ये आपके ईमेल वगैरह में, यहाँ पे इनबॉक्स में, इसी को यहाँ पे जो है स्पैम बोलते हैं, ठीक है जी। तो
इसका ये कंप्यूटर से संबंधित है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है परिभाषिकी नहीं है, लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड या पिनाका, तो पिनाका इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है परिभाषिकी नहीं है, तो पिनाका आपका नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड ये जो है सूचना से संबंधित आप इसमें वर्क कर सकते हैं, जो है पिनाका इससे कोई भी रिलेटेड नहीं रखता है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ, 48 क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, सी ब्रेन, कोलंबस, मैकबाग, माइजल एंजोल वायरस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, सी ब्रेन, कोलंबस, मैकबिन, माइकल एंजोलो वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है, तो यह सुविधा कहलाती है साइबर स्पेस, निकनेट, ईमेल या आपका आईनेट कहलाता है। ठीक है, तो जब इंटरनेट का उपयोग जो है कोई भी मैसेज वगैरह आप ईमेल करते हैं, ठीक है, तो ये सुविधा ये आपका ईमेल कहलाती है। ठीक है, किसी को आप ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, तो संदेश भेजित या प्रेषित करते हैं, तो ये जो है आपका ईमेल है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, हार्डवेयर को उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए जो है यात्रा कर सकता है, रेड वायर, ब्लू कार्ड, टावर या मॉडेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मॉडेम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो हार्डवेयर को उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल को किस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों में जरिए यात्रा कर सकता है, तो ये आपका मॉडेम कहलाता है। ठीक है, मॉडेम ये जो है नेटवर्क से संबंधित जो सिग्नल के रूप में काम करता है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 क्वेश्चन है, खाली स्थान में माइकल एंजोलो नामक वायरस विश्व का चिंता का कारण बना हुआ था 1999 में, 1992 में, 1994 में या 1993 में। तो कौन से सन में, 1993 में, 1993 में माइकल एंजोलो जो एक नामक जो वायरस है, ठीक है, जो विश्व में जो है चिंता का कारण बना हुआ था। ठीक है, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईमेल क्या है, ईमेल क्या है, एक इंटरनेट जो है स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है, बी है एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है, सी है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन है, या एक रियल टाइम जो है टाइप्ड कंजर्वेशन है। ठीक है, तो ईमेल क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का जो है ट्रांसमिशन है। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैट क्या है, चैट क्या है, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से जो है चर्चा करता है, ये जो है आपका चैट है। ठीक है जी, चलिए 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर के द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, तो ये आपका जो है HTTP, ठीक है, जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो जो है ऐसा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस करने वाले जो प्रत्येक कंप्यूटर के द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55वां क्वेश्चन है, खाली स्थान जो है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, TCP/IP, जावा, HTML या फ्लैश। ठीक है, तो खाली स्थान जो है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, आपका जो है TCP/IP। ठीक है, ये जो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे संक्षेप में HTML का पूरा रूप है, ठीक है, तो संक्षेप में HTML का पूरा नाम या HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है HTML के, यहाँ पर जो है इसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, तो HTML का फुल फॉर्म सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कई बार इसका फुल फॉर्म आया हुआ है। 57 है, जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या ब्राउजर। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फिंग या इसको जो है सफरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, सर्फिंग कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसको जो है ब्राउजर बोला जाता है।
डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 क्वेश्चन है। वेबसाइट एड्रेस या जो URL एक यूनिक का नाम है होता है जो वेब पर एक विशिष्ट को आइडेंटिफाई करता है। वेब ब्राउजर, PDA, वेबसाइट, या आपका डी है लिंक। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबसाइट। याद रखिएगा, तो वेबसाइट जो एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है वेब पर एक विशिष्ट जो है या आपका वेबसाइट को जो है आइडेंटिफाई करता है यहाँ पे। तो इसका जो है वेबसाइट सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 क्वेश्चन है। खाली स्थान से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। इंटरनेट, टेलीफोन, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, या आपका ई कॉमर्स। ठीक, तो खाली स्थान से बातचीत की जो ध्वनि थी, खाली स्थान बातचीत की जो ध्वनि इंटरनेट पर जो है यात्रा कर लेती है। तो इंटरनेट जो टेलीफोन होता है ये जो है यहाँ पे मतलब जो है बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर जो यात्रा कर लेती है, तो इंटरनेट टेलीफोन ही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है आपका रिवीट भी हुए हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपके छत्तीसगढ़ के जो है 6 मंथ के, याद रखिए 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स लगभग 5 पार्ट में अपलोड किए हूँ, जिसमें हर टॉपिक को कवर किया है। चाहे आप स्पोर्ट में जो है स्पोर्ट्स से सेक्शन देख लें, ठीक है, जिसमें 6 मतलब जनवरी से लेकर अभी तक के जो है कवर कराए गए। स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट के साथ साथ अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन, जितने भी छत्तीसगढ़ 2024 के जो योजना हो गया, ठीक है, योजना के साथ साथ यहाँ पे जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, जो सम्मेलन के साथ साथ यहाँ पे जो है दशहरा मेला वगैरह यहाँ पे जो हुए हैं, महोत्सव वगैरह, उसको मैं जो है कवर कराया गया है। ठीक है, स्पोर्ट ये जो है मतलब हर टॉपिक को यहाँ पे जो है कवर कराया गया है। ठीक है जी, जितने भी योजना वगैरह यहाँ पे जो है जो रिसेंट में ट्रेंडिंग में था वो सभी टॉपिक कवर कराया गया है। ठीक है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। 5 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। ठीक है जी, आपके एग्जाम को देखते हुए जो कंटेंट को तैयार किया गया। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, जाके देख लीजिए करंट अफेयर्स 5 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। थैंक यू।